गुरु गोविंद दो खड़े काके ला गूपाय बलिहारे गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। जय श्री कृष्णा सज्जनों, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर की, गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की आप सभी वैष्णवों को, सभी प्रिय भक्तों को अनेकानेक शुभकामनाएं, अनंत बधाई। क्यों हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए और क्यों हम गुरु के बिना तर नहीं सकते? आपको पता है, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। लोग कहते हैं ना कि हम गुरु क्यों बनाए, क्या मिलेगा गुरु बनाने से और क्यों गुरु होना चाहिए। बड़े प्रेम से सुनिएगा आप। एक 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 छोटी सी चींटी आपने देखी है, आपने घरों में तो जरूरी देखी होगी, कितनी धीरे धीरे चलती है वो। अगर आप उस चींटी से कहो कि यहां से वहां तक जाओ तो धीरे 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 वो चल चल के वहां पे कुछ देर में पहुंच जाएगी। लेकिन उसी चींटी से अगर आप ये कहो कि यहां श्री हरिद्वार की इस पावन नगरी से तुमको जाना है श्री बद्रिकाश्रम भगवान श्री नारायण के पास में, तो बंधुओं अंदाजा लगाना कठिन है कि वो चींटी कितने महीनों में, कितने सालों में, या फिर जाते जाते उसके प्राण ही निकल जाएंगे क्या। बड़ी दूर है। लेकिन उस चींटी ने अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई, थोड़ी सी बुद्धि उसने अगर लगाई, उसने ये देखा कि मेरा यहां से तो बद्रिकाश्रम स्वयं अपने चरणों से चल करके जाना तो थोड़ा असंभव सा लग रहा है। लेकिन अगर वही चींटी ये देखे कि श्री हरिद्वार से कोई सज्जन जी अपनी धर्म पत्नी अपने परिवार के साथ मेरे भगवान श्री नर नारायण की शरण में, मेरे प्रभु की शरण में श्री बद्रिकाश्रम को जा रहे हैं और गाड़ी में जा रहे हैं, तो जो चींटी श्री बद्रिकाश्रम तक अपने चरणों से पहुंच भी पाती कि नहीं पाती, वो चींटी अगर उसी व्यक्ति के वस्त्रों पर जाकर के बैठ जाएगी तो बंधुओं केवल 12 घंटों में वो उस स्थान पर पहुंच जाएगी जिस स्थान पर पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी इस कथन से, मेरी इस कथा से कहने का अभिप्राय आप लोगों से केवल यही है कि वो चींटी और कोई नहीं, हम और आप मनुष्य हैं, हम और आप जैसे जीव हैं। वो बद्रिकाश्रम जिसकी दूरी यहां से बहुत दूर है, वो और कुछ नहीं, मेरे गोविंद का वैकुंठ है, मेरे गोविंद का लोक है। और वो व्यक्ति जिसके वस्त्रों पर बैठ करके वो चींटी गई, वो और कोई नहीं, साक्षात सद्गुरुदेव है। करना क्या पड़ा उस चींटी को? केवल उस व्यक्ति के वस्त्रों पर जाकर के बैठना ही तो पड़ा। हम लोगों को भी क्या करना है? केवल सद्गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ना है। एक बार मेरे बाबा महादेव कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई सो विरंची शंकर सम सोई। कितनी अद्भुत बात है, बिना गुरु के आप इस संसार रूपी भव निधि से तर नहीं सकते हो। बंधुओं, आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष केवल यही कहने आया हूं कि अपने जीवन में आप जरूर सद्गुरुदेव की शरण ले, गुरु जरूर बनाए। बिना गुरु के गोविंद कभी नहीं मिल सकते हैं बंधुओं, इसलिए खूब गुरु की सेवा करें। शरीर के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं जगती है, समझ में नहीं आता है कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए, तो जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बनाओ, लेकिन एक माध्यम होना बहुत 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 जरूरी है बंधुओं, आप तर जाओगे। जय श्री कृष्ण।